सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले जल्दी से पुराने पोल के बारे में, जहाँ पे सवाल था सैमसंग की गैलेक्सी ए और एम सीरीज के अपकमिंग फोन्स को लेके। तो आप इसे बोला है 59% ने कि यार हमें तो खैर भैया कोई एक्साइटमेंट है नहीं, लेकिन बाकी बोलते हैं करीब 40-41% कि यार हमको है अंदर से इंतजार कि देखते हैं सैमसंग क्या नया लेके आता है इन्हीं अपकमिंग फोन्स में। तो यहाँ दोस्तों खैर ऐसे में आज का पोल आपके लिए कुछ ऐसा है कि वावे और यूएस का जो चल रहा है भैया पूरा का पूरा ये सिचुएशन आगे पीछे, इसके चलते आपको क्या दोस्तों लगता है कि वावे को आगे भैया लॉस 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 भयंकर वाला होने वाला है कुछ डैमेज, या आप सोचते हैं कि नहीं भाई ऐसे में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा वावे को? बताइए जरूर क्या है आपकी राय ऊपर दिए गए पोल में नीचे कमेंट्स में, और हर बार की तरह हमेशा की तरह ऐसे ही अपने प्यार को फैलाइए और दबाइए लाइक बटन को। दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेके। तो यहां पर दोस्तों जो 10 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है Redmi का K30, इसके साथ दोस्तों रिपोर्ट्स आ रही हैं कि Redmi की तरफ से कुछ और हमको डिवाइसेस देखने को मिल सकते हैं, जहां पर दोस्तों एक जो Redmi वॉच है वो मिल सकती है या फिर उसके साथ में कुछ स्मार्ट स्पीकर्स वगैरह भी आ सकते हैं। अभी अगर देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है एग्जैक्टली 10 दिसंबर को इसी लॉन्च में। और यहां पर दोस्तों बात करें अगली खबर को लेके, तो भैया ट्विटर के बारे में जो आया था वो अपडेट कि ट्विटर जो है वो इन एक्टिव जो अकाउंट्स है उनको डिलीट वगैरह कर देगा, जब ये खबर बाहर आई तो बहुत मिला बैकलैश ट्विटर को। तो भैया ट्विटर बोलता है कि नहीं हमसे गलती हुई, हमने ऐसा सोचा, हम एक्चुअल में ऐसा नहीं करेंगे। तो टेंशन की बात नहीं है, अकाउंट बनाया है यूज नहीं करते हो या जो भी है, ट्विटर आपका अकाउंट फिलहाल के लिए तो खैर डिलीट नहीं करने वाला है। यहां दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेके। तो Xiaomi जो है भैया वो लेके आ गया है एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट जो कि है दोस्तों यहाँ पे HL टावर डिसइंफेक्शन ड्रायर, और ये आप दोस्तों ले सकते हैं। जो कीमत है वो है 299 yuan करीब करीब 3000 रुपए के आसपास। आप दोस्तों जहां पे अपने वॉशरूम वगैरह में टावल को टांगते हैं आप उसके ऊपर इसको लगा दीजिए तो ये दोस्तों उसको ड्रायर रखेगा, और ऐसे में अगर उस नमी से दोस्तों कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो कुछ पनपते हैं तो उनसे भी बचाएगा आपके टॉवल को, तो मतलब जो सफाई है वो बनी रहेगी। साथ में यहां पे टेंपरेचर भी दिखाएगा। तो एक स्मार्ट गैजेट है Xiaomi की तरफ से। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं Redmi K30 के लॉन्च को लेकर। तो भैया ये इसकी दोस्तों आ गई है एक प्रोमो इमेज जो दिखाती है कि आखिर कैसा होने वाला है फोन का फर्स्ट लुक सामने की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमको ये ड्यूअल पंच होल सेल्फी डायोड देखने को मिल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी है Samsung Galaxy S10 Plus की। और बाकी यहां पर दोस्तों ये एक और फोटो आई है जो कि हालांकि इतनी क्लियर तो नहीं है, लेकिन देखने को मिलता है कि जो पीछे की तरफ दोस्तों का कैमरा प्लेसमेंट वो होगा सेंटर में बिल्कुल वर्टिकली Redmi Note 8 Pro की तरह। देखते हैं कि आखिर क्या मिल जाती है हमको कंप्लीट डिटेल्स इसी Redmi K30 की। अभी हम दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेकर। तो भैया एक मतलब सरप्राइज मूव हो सकता है शायद एप्पल की तरफ से, जहां पर दोस्तों खबरें निकल के आ रही है कि 2020 के जो आईफोन्स होंगे उसके साथ में एप्पल जो है वो एयरपॉड्स को बॉक्स में बंडल करने वाला है। मतलब दोस्तों ये तो हो जाएगा जादू। अब हालांकि ये जो आईफोन प्रो वाले फोन्स होंगे उनमें होगा या सभी आईफोन्स में होगा, और जो एयरपॉड्स अगर एप्पल बंडल करता है तो भैया वो सिंपल वाले होंगे या प्रो वाले होंगे वो तो खैर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे में बात हो रही है कि एयरपॉड्स जो है वो आईफोन में शायद मुफ्त मिलने लग जाएं। आप बताओ ऐसा सोच के क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं? हम दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेकर। तो दोस्तों सैमसंग का जो गैलेक्सी फोल्ड है जो कि ये फोन है मेरे पास दोस्तों, मतलब काफी कमाल का फोन है। तो ऐसे में फिलहाल इसमें दोस्तों इंडिया में ऑफलाइन मार्केट में कुछ डिस्काउंट ऑफर किया है सैमसंग ने जो कि है 7000 रुपए का। मतलब पहले ये था 164999 का 1,65,000 का, अभी ये 1,58,000 में अवेलेबल है ऑफलाइन मार्केट्स में। बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे अगले अपडेट को लेकर। तो Xiaomi जो है उसने 10,000 mAh का एक पावर बैंक लॉन्च किया है, जहां पे पावर बैंक के साथ में FM रेडियो भी है, और डिजाइन जो है वो काफी दोस्तों रेट्रो सा लगता है देखने में। तो मतलब उससे पहले लॉन्च किया था वो हाथ गर्म करने वाला पावर बैंक, अभी लेके आ गए हैं पावर बैंक के साथ में FM रेडियो। आगे देखते हैं कि पावर बैंक के साथ में टीवी वगैरह लॉन्च ना कर दे। यहां दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेके। तो भाई अभी तक तो चला था Xiaomi 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 ये, और अभी दोस्तों खबर निकल के आती है कि Redmi Note 7 Pro जो है वो फटा है दोस्तों यहाँ पे चाइना में। इससे पहले हालांकि बहुत बार हादसे हुए हैं Xiaomi के अलग अलग फोन्स के साथ में, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल एक रीसेंट एग्जांपल है जहाँ पे चाइना में Redmi Note 7 Pro की दोस्तों खराब हालत सामने देख ही पा रहे हैं कि बिल्कुल जो है वो चिथड़े चिथड़े हो गया है। और अभी ऐसे में Xiaomi का ये कहना है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ है। अभी
ये ना समझ नहीं आता, मतलब ब्रांड्स को एटलीस्ट कुछ कंपनसेशन देना चाहिए या रिप्लेस करें या पता लगाएं कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ या कुछ चेक करें। हमेशा देखा है चाहे कोई भी ब्रांड हो, मोस्टली केसेस में अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, तो Xiaomi ने भी इस बार खैर यही काम किया है इसी केस के चलते। बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे अगले अपडेट को लेकर, तो Realme जो है दोस्तों वो लगता है कि एक इंडिपेंडेंट ब्रांड की तरह फंक्शन कर सकता है अभी। अब ऐसे में खैर क्या दोस्तों निकलते हैं, क्या डिटेल्स हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ओप्पो और रियलमी जो है वो भैया काफी नजदीकी से जो है वो बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन चलता है पता कुछ ऐसा कि रियलमी शायद एक इंडिपेंडेंट ब्रांड की तरह फंक्शन करेगा। वो देखते हैं खैर ऐसा जब होता है तो कब और कैसे। बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे अगले अपडेट को लेके, तो यूएस में Huawei को दोस्तों जो है वो राहत मिलने का नाम कुछ आ नहीं पा रहा है सामने, बिकॉज जो पहले सीन था पूरा, अब दोस्तों लगता है कि यूएस गवर्नमेंट है वो और कुछ रेगुलेशन जो है वो नए सख्त लेके आने वाली है Huawei के खिलाफ। तो लगता है कि Huawei के लिए जो दिन है वो इतने अच्छे नहीं होंगे कुछ आगे आने वाले। हालांकि Huawei बोलता है कि हमको जरूरत नहीं है गूगल वगैरह की, हम तो वैसे भी नंबर वन ब्रांड बन सकते हैं। तो देखते हैं एग्जैक्टली दोनों तरफ से दोस्तों चल रही है लड़ाइयां, एट द एंड जीत किसकी होती है और ये जो बैन वगैरह का पूरा सीन है ये आखिर कब तक लंबा खींचता रहता है। बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे अगले अपडेट को लेके, तो Realme 6 जो है वो उसी दोस्तों को चाहिए स्पेसिफिकेशन सामने। हालांकि खैर दोस्तों फोटो है वो तो खैर आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अभी के लिए मालूम चलता है कि फोन में 6000 mAh की बैटरी होगी। साथ में मालूम चलता है कि जो फोन है वो आएगा स्नैपड्रैगन 710 के साथ में। देखते हैं एग्जैक्टली कि कब कहां कैसे किस कीमत पे आता है यही Realme 6। बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे अगले अपडेट को लेके, तो भैया ये जो खबर है दोस्तों आप ध्यान लगा के सुन लो, अगर आपको सोने के बदले पैसे मिले तो। जी हाँ दोस्तों बात बिल्कुल सही है, आप जो है वो अगर रोजाना 9 घंटे सोएं लगातार 100 दिनों तक तो आपको 1,00,000 रुपए मिलेंगे। यहां पर दोस्तों ये कुछ कॉन्टेस्ट चल रहा है, मतलब जहां पे हालांकि हर एक इंसान नहीं, ये दोस्तों सेलेक्ट करेंगे कुछ लोगों को, और जिनको भी सेलेक्ट करेंगे रैंडमली वो जब दोस्तों ये काम करना शुरू करेंगे तो उनको प्रॉपर सोना पड़ेगा 9 घंटे के लिए और ट्रैक वगैरह किया जाएगा। हालांकि आपको अपने घर में ही सोना है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं अलग से, लेकिन आप बस 9 घंटे सोइए रोजाना लगातार 100 दिनों तक और जीत सकते हैं 1,00,000 रुपए। दोस्तों ऐसा कहना है Wakefit एक कंपनी है जो कि मैट्रेस वगैरह बनाती है उसका। अभी वैसे क्या आप इस जॉब के लिए एक्साइटेड होंगे क्या, आप बताइए मुझे क्या है आपके मन की बात नीचे कमेंट्स में। लेकिन सुनने में आसान लगता है, लेकिन अगर रोज रोज 9 घंटे सोना पड़े तो शायद वो भी क्या पता इतना आसान ना हो, और बाद में 99 दिन सो लिए, लास्ट दिन कुछ गलती कर दिया तो क्या पता 1,00,000 गए पानी में। दोस्तों बस फटाफट में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे बनकर मत भूलिएगा, अगर आपने लोग लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।